प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे विश्व को महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं ग्रहण कर शांति की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया को युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में समाधान मिल सकता है। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष 2023 से 2024 में 19.60 लाख करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 182% की वृद्धि हुई। उभरते हुए बाजारों में भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 3 वर्षों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली GDP बनी रहेगी और 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 के ड्राफ्ट पर भारतीय ओलंपिक संघ IOA, राष्ट्रीय खेल महासंघों NSF और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों NSPO के साथ अंशधारकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापसी को तैयार। वह केरल के लिए 18 अक्टूबर से शुरू हो रहे दूसरे राउंड के रणजी मैच में हिस्सा लेंगे और तब तक रणजी ट्रॉफी खेलते रहेंगे जब तक उन्हें राष्ट्रीय ड्यूटी के लिए बुलावा ना आ जाए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार 18 महीने के युद्ध के बाद लगभग 30 लाख शरणार्थी और वापस लौटे सूडान के लोग देश छोड़कर सुरक्षा की तलाश में पड़ोसी देशों और अन्य स्थानों पर पलायन कर चुके हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने इजरायली आक्रमण के बीच लेबनान को सहायता प्रदान करने के लिए 22 टन मानवीय सहायता से भरा एक विमान भेजा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के शो कौन बनेगा करोड़पति KBC 16 में अपने नाती अगस्त्य नंदा के प्री खाने के एडवेंचर की कहानी सुनाई, जिससे विद्या बालन और कार्तिक आर्यन को लोटपोट कर दिया। एक्ट्रेस सारा अली खान और उनकी मां अमृता सिंह को लेकर एक नया अपडेट सामने आया। उन्होंने मुंबई में करोड़ों की 2 प्रॉपर्टी खरीदी हैं। ये प्रॉपर्टी मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित